मऊ ब्रेकिंग न्यूज, बच्चों के विवाद में पिता की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। बच्चों के फुटबॉल खेलने को लेकर हुआ था विवाद, बीच बचाव करने गए पिता के साथ हुई थी मारपीट। मारपीट के 10 दिन बाद युवकों ने पिता की चाकू मारकर की हत्या। जियाउद्दीन नाम के व्यक्ति की हुई थी हत्या। हत्या में 3 युवक गिरफ्तार। 3 युवकों के पास से आला कत्ल बरामद कर पुलिस ने भेजा जेल। कोपागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने चेकिंग के दौरान किया गिरफ्तार। दिनांक 8 अगस्त 2024 और रात को लगभग 10 बजे एक व्यक्ति है जिसका नाम साहबुद्दीन, जिसका नाम जियाउद्दीन सन ऑफ साहबुद्दीन है और जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष के थे, उसको कुछ लोगों द्वारा चाकू मारकर घायल कर दिया गया था और वो उसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हुई। इसके संबंध में थाना कोपागंज पर मुकदमा अपराध संख्या 203/2024 धारा 103 BNS पंजीकृत किया गया था और उसमें 5 लोगों को नामजद किया गया था, लेकिन जो पुलिस की विवेचना से उसमें 4 लोग उस घटना में सम्मिलित पाए गए हैं। और इस घटना में परिपेक्ष में जो बात निकल कर सामने आई है उसमें एक घटना से लगभग 15 दिन पूर्व एक फुटबॉल मैच कोपागंज में हुआ था जिसमें मृतक जियाउद्दीन का पुत्र अमीर आजम भी वहाँ था, उसका एक विवाद जो मोहम्मद अलकमा से हुआ था और उसके बाद मृतक भी वहाँ पहुँच गया तो मृतक द्वारा उसके साथ मारपीट की बात सामने आई है मोहम्मद अलकमा के साथ, तो इसी उसको लेके मोहम्मद अलकमा द्वारा अपने साथियों के साथ इसकी हत्या की गई। और इसमें से जो मोहम्मद अलकमा है उसको दिनांक 11/8 को गिरफ्तार किया गया है और जो अभियुक्त हैं इसमें अबू समा पुत्र निजामुद्दीन जो दूसरा अभियुक्त है उसको और एक नासिर पुत्र असलम निवासी कोपागंज, इन मतलब 3 लोगों को अलकमा, अबू समा और नासिर, 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है और बाकी जो बचा एक अभियुक्त जब्बार है उसको भी अच्छी गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर फुटबॉल के विवाद में हुआ था, फुटबॉल के विवाद में एक मारपीट हुई थी और मारपीट में जो बात सामने आई है जो मृतक है जियाउद्दीन उसके द्वारा जो मुख्य अभियुक्त है इसमें मोहम्मद अलकमा उसके साथ मारपीट की गई थी और उसी में उसको देखते हुए मोहम्मद अलकमा द्वारा ही अपने साथियों के साथ मिलकर इसमें 50 जरूर बताओ।